नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं अध्ययन बोध के साथ अर्थात कॉम्प्रिहेंशन के साथ। अगर हम देखें तो एनटीए नेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो या बहुत सारे अलग अलग परीक्षा अगर हम देखें तो वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन अर्थात अध्ययन बोध से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब अध्ययन बोध से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये कन्फर्म प्रश्न आते हैं, यहाँ से आपको 5 प्रश्न जो है वो निश्चित तौर पर रहता है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता, 5 नंबर तो आपके पक्के हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो छात्र हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं और फोकस न कर पाने के कारण से इसको हल्के में लेते हैं और यहाँ से उनका प्रश्न कटअप हो जाता है। उसी को लेकर के कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को का अध्ययन करें जिससे कि 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। आप कभी भी अगर नेट की परीक्षा देंगे तो 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, 5 नंबर वो आपका बहुत अप कर सकता है, बहुत डाउन कर सकता है, इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जितने भी अध्ययन बोध होंगे या फिर अपठित गद्यांश भी इसको कहते हैं, इसको किस प्रकार से हम करते हैं, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसके सबसे पहले हम समाधान निर्देश की बात करते हैं। समाधान निर्देश, अगर हम समाधान निर्देश की बात करें तो सबसे पहले आता है मौलिक विचारों की पहचान करना। क्या आता है? मौलिक विचारों की पहचान करना। अब ये मौलिक विचारों की पहचान करना क्या है? सबसे पहले जब भी हम अध्ययन बोध करने जाते हैं, जब भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन में हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं एक रिसर्चर के नाते, एक पाठक के नाते, कि जो भी लिखा गया है पैराग्राफ के अंदर, जो भी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है, उसका मौलिक विचार क्या है, उसकी पहचान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर हम इसके मौलिक विचारों की पहचान अर्थात लेखक ने क्या लिखा है उसके मौलिकता की पहचान अगर हम कर लेते हैं तो हमें आधा सॉल्यूशन एक प्रकार से मिल जाता है। फिर आता है कि संक्षिप्तीकरण। अब ये संक्षिप्तीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संक्षिप्तीकरण क्या है कि जो भी हमने अनुच्छेद को पढ़ा, अब अनुच्छेद दिया हुआ है, एक पैरा में, दो पैरा में दिया हुआ है, अब जो भी पैरा दिया हुआ है उसको हम बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब इस बहुत बड़ा टॉपिक है, अब बहुत बड़ा टॉपिक है तो हमें क्या करना है, उसको सबसे पहले पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसका संक्षिप्तीकरण अपने मनोमस्तिष्क में करते जाएंगे, उसको लिखेंगे नहीं, उसको मनोमस्तिष्क में करते जाएंगे कि इसके अर्थात मनोभावों को हम कुल मिला करके संक्षिप्त रूप में उसको अवस्थित, अर्थात इसका सार क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, उसको लेकर के एक संक्षिप्तीकरण हमें करना पड़ता है। फिर आता है वाक्य कड़ी का निर्धारण। वाक्य कड़ी का निर्धारण, अब ये वाक्य कड़ी का निर्धारण जो होता है, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है, उसका उस कड़ी से हम निर्धारण कैसे करें, उसको हम कैसे एक दूसरे से जोड़ें। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब तक हम पहले से दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरे से तीसरे को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक हम खुद उस अनुच्छेद के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जब तक हम खुद अनुच्छेद के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे शायद हम उसके प्रश्नों का सही सही हल निकाल नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है, जब हम इसको बार बार अभ्यास करते हैं, एक दो बार अभ्यास करते हैं, तो ये कड़ी का निर्धारण भी हम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। फिर आता है स्वयं से पूछताछ। क्या आता है? स्वयं से पूछताछ।
अब ये स्वयं से पूछताछ क्या है? तो भैया स्वयं से पूछताछ हमें करना पड़ता है। स्वयं से पूछताछ मतलब क्या कि जहाँ कहीं भी हमें डॉट हुआ, अर्थात जो भी हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और वहाँ में अगर कहीं भी डॉट हमें होता है तो हमें खुद से प्रश्न करना पड़ता है कि ये यहाँ पर किस प्रकार का उत्तर होना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रश्नों का उत्तर खुद ही देना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? तो स्वयं से पूछताछ। फिर ये चीज़ बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो लेखक ने लिखा है उसके तथ्य क्या हैं, उसके संदर्भ क्या हैं, उसके स्थान विशेष क्या हैं, उसकी तिथि क्या हैं। मतलब अगर तिथि का निर्धारण है, अगर स्थान विशेष का निर्धारण है, अगर किसी चीज़ के बारे में ऐसी चर्चा है, तथ्यगत संदर्भ है, उसको आपस में हम सम्मिलित कैसे करें, उसको हम आपस में जोड़ें कैसे, ये चीज़ अर्थात लेखक चाहता है कि जो भी पाठक इस अनुच्छेद को पढ़े वो उसका अध्ययन किस प्रकार से है, उसकी बुद्धिमत्ता किस प्रकार से है, उसकी दक्षता किस प्रकार से है, पढ़ने की दक्षता किस प्रकार की है, उसके समझने की दक्षता किस प्रकार की है, उसकी तार्किक दक्षता किस प्रकार की है, ये सब सारा कुछ आपसे वो जानना चाहता है। इसी के कारण से थोड़ा जब भी आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो थोड़ा सा अटपटा सा होता है। मतलब आपको एक बार में बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप क्या करें, तो कई बार आप एक बार उसको एकदम सामान्य गति से पढ़ें, न कि बहुत फास्ट ना ही बहुत स्लो, जिससे कि आपको समझ में आए। और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है एक बार और आप पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो जाएगा और आप इस जो अनुच्छेद हैं उसको आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो ये तो था एक मुख्य रूप से ये कौन सा, तो समाधान का निर्देश किस प्रकार से है। अब हम इसकी कड़ियों को संदर्भित कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मुख्य विषय या केंद्रीय विचार। मुख्य विषय या केंद्रीय विचार, ये सबसे पहले आता है। अर्थात अनुच्छेद जब दिया होता है तो लेखक आपसे समझना चाहता है कि जो हमारा पाठक है, जो परीक्षार्थी है, वो हमारे द्वारा दिए गए जो अनुच्छेद हैं उसके संपूर्ण चीज़ों को वो समझ पाया है कि नहीं, उसके आंतरिक विषय वस्तुओं को समझ पाया है कि नहीं, उसका अध्ययन संपूर्ण रूप से जो मुख्य केंद्रित जो संदर्भित चीज़ें हैं, विषय वस्तु जो हैं, उसके केंद्र बिंदु तक पहुँच पाया है कि नहीं, ये सबसे पहली क्राइटेरिया होती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ें कि ये किस पर आधारित है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ यहाँ पर होगा कारण और प्रभाव के शब्द अब ये जो कारण और प्रभाव के शब्द हैं इसमें आपको मिल सकता है परिणाम स्वरूप, इसलिए, क्या होगा, परिणाम स्वरूप या इसलिए, ये जो होंगे वो किसको दर्शाता है, तो कारण और प्रभाव के शब्द हो जाएंगे। फिर समय शब्द, समय शब्द क्या हो जाएगा, तो इस बीच पहले ही तो ये सब सारे जो होंगे वो आपको समय वाले समय शब्द हो जाएंगे। फिर तीसरा पक्ष जो आता है विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द में क्या आ जाएगा कि इसके विपरीत, उल्टे, ऐसे ऐसे जो शब्द आ जाएंगे वो विपरीतार्थक शब्द के लिए आ जाएंगे। फिर नंबर चौथा आ जाएगा संयोजन शब्द आ जाएगा। संयोजन शब्द में क्या आ जाएगा, परिणाम स्वरूप, इसी के लिए या इसी के साथ, ये सब जो है वो संयोजन शब्द आ जाता है। फिर आता है बलपूर्वक शब्द भी आता है। बलपूर्वक शब्द आता है कैसे, तो याद रहे,
ये अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो इसके अंतर्गत, ये मुख्य केंद्रीय विचार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ये सब सारे तथ्य रहें तो आपको ये इस पर भयंकर ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उन चीज़ों की कड़ियों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये तो पहली क्राइटेरिया हो गई। फिर आपका जो दूसरा होता है, लेखक की राय और मनोवृत्ति। लेखक की राय और मनोवृत्ति, ये क्या होता है? तो लेखक की राय आपको जानना आवश्यक हो जाता है। इसमें इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कुछ भी स्पष्टतया आपको दिया हुआ नहीं रहता है। उसको आपको मुख्य जो वाक्य हैं उससे संदर्भित करके, आपको जोड़ करके आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए तो अध्ययन बोध है। इसीलिए आपको कुछ भी यहाँ पर स्पष्टतया आपको उल्लेख नहीं रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं तो स्पष्ट रूप से आपके पास वो जो क्वेश्चन आएंगे वो पुटअप नहीं किया जाता है। तो आपको उसकी मनोवृत्तियों को जानना होगा, आपके उसके लयात्मक भाव को जानना होगा, आपको उसके तार्किक विचार को जानना आवश्यक होगा, आपको उससे संदर्भित ज्ञान को जानना आवश्यक होगा, वो किस विषय वस्तु को उन्होंने उल्लेख किया है, वो उनके मनोदशाओं को जानना होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाते हैं कि लेखक की राय और मनोवृत्ति का जब हम चुनाव करते हैं। फिर आपका आता है तीसरा, स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी। अब ये स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी के अंतर्गत आता है कि जैसे कि दिनांक दे दिया होता है, जैसे कि स्थान विशेष का नाम दे दिया होता है, जैसे कि तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है, जैसे कि संख्यात्मक कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ नाम दे दिए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो होता है वो स्पष्ट और प्रत्यक्ष होते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट मेथड में आप वो यहाँ से क्वेश्चन देता है और आपको बिना बहुत मेहनत किए वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको ये आ गया। फिर इसके अलावा अंतर्निहित सूचना। अब ये अंतर्निहित सूचना क्या होता है कि ये जो अंतर्निहित सूचना है वो आपको स्पष्टतया कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, ये आपको उसके बोध का परिचय देना पड़ता है। ये यही आपको जो लेखक होते हैं वो जानना चाहते हैं कि इनको बोध कितना हुआ, अनुच्छेद का बोध इनको कितना हुआ, ये पढ़ने में माहिर हैं कि नहीं, इनके पास वह दक्षता है या नहीं। ये सब सारी चीज़ें वो जो अंतर्निहित सूचनाएं हैं उसके माध्यम से यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो आपको डायरेक्ट मेथड में, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर था कि डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन था आता था, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं, वो अंतर्निहित जानकारियाँ होती हैं। अर्थात संपूर्णतया आपको जो आपने जो पढ़ा है उससे विषय वस्तु को जोड़ करके यहाँ से प्रश्न आना होता है। इसके बाद आता है भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न। हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं। क्या आता है? भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न। भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न। अब ये भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न क्या होता है? तो लेखक आपसे ये प्रसंग जानना चाहता है कि वो प्रसंगाधीन जानकारी, इनको पाठक जो हमारे हैं उनको प्रसंग की जानकारी हुई अथवा नहीं। ये आपको ये शाब्दिक अर्थों को ये टटोलना नहीं चाहता है कि आपको शाब्दिक अर्थों का ज्ञान हुआ कि नहीं, ये नहीं, आपको प्रासंगिक अर्थों का ज्ञान हुआ कि नहीं, ये आपसे वो चाहता है। तो जब आपको समझ विकसित होगी तो निश्चित तौर पर आप प्रसंगाधीन जानकारी आपके पास होगी, आपको ऐसी दक्षता होगी। तो वही चीज यहां पर आपसे टटोलना चाहता है कौन? तो लेखक। फिर आता है पैराग्राफ का गठन। क्या आता है? पैराग्राफ का गठन। अब ये पैराग्राफ का गठन किस प्रकार से है? तो लेखक जो है वो ये जानना चाह रहा है कि आपको पैराग्राफ का गठन जो है उसको, उसके साहित्यिक संबंधों को आप जानना चाह रहे हैं या नहीं, साहित्यिक तकनीक बहुत सारे, क्योंकि अनुच्छेद जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको साहित्यिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो ये लेखक चाहता है कि आपको साहित्यिक ज्ञान आपके पास है या नहीं, साहित्यिक जानकारी आपके पास है या नहीं, साहित्यिक दक्षता आपके पास है या नहीं, साहित्यिक तकनीक आपके पास है या नहीं, ये आपसे वो जानना चाह रहा है।
फिर लास्ट आता है अनुरूप तर्क। क्या आता है? अनुरूप तर्क। अनुरूप तर्क, अनुरूप तर्क क्या है? तो जो भी ये पूरा जो पैराग्राफ आपसे आपको दिया गया है, अनुच्छेद जो दिया गया है, उस अनुच्छेद में ये जो मतलब उसकी जो अवधारणाएं हैं उसके अनुरूप आप समझना चाह रहे हैं या नहीं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि लेखक ने जो संदर्भ स्थापित किया है उस लेखक के अनुरूप आपकी अवधारणा आई अथवा नहीं, ये आपसे वो जानना चाह रहा है। अर्थात आपको ये कन्फर्म है कि जब भी आप पैराग्राफ का गठन या पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों का हल करना चाह रहे हैं तो आपको एक सामान्य अभ्यर्थी नहीं बल्कि आपको एक लेखक की तरह सोच रखनी चाहिए कि लेखक क्या चाह रहा है, लेखक ने क्या भाव मनोभावों को रखा है, लेखक ने किस साहित्यिक पक्षों को रखा है, लेखक ने किस स्थान विशेष का उल्लेख किया है, लेखक ने किस प्रसंगाधीन जानकारी की उपस्थापना की है, या फिर बहुत सारे उसके जो विपरीतार्थक शब्द है, ये सब सारी जो कड़ियाँ हैं उसको संदर्भित करने की, अर्थात आपको लेखक बनना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको एक बार और बताया था कि देवम भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता होकर ही आपको देवता की पूजा करते हैं तो वो देवता को मान्य होता है, उसी प्रकार से आपको एक अभ्यर्थी होकर नहीं बल्कि आपको एक लेखक होकर के उस अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको उससे संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसको उसके प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ, और एक चीज़ और कि जब भी आप प्रश्नों की जानकारी देते हैं तो आप इतने बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपको फिर से जब प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं तो आपको पुनः उस अनुच्छेद को पढ़ना ना पड़े। ये कन्फर्म है, आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर गलतियाँ होगी, तो आप बेहतर है कि आप पहले ही एक से दो बार आप पढ़ लीजिए ताकि उसका संपूर्ण प्रसंगाधीन जानकारी आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आप प्रश्न का उत्तर देते हुए ये गलतियां नहीं करें कि फिर से उसको अनुच्छेद को पढ़ें। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।